जैस्मिन साहब, ये इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करना, वो भी तकरीबन अगस्त 20 के मुकदमे में, ये ख्वाहिशात पर हो रहा है, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप जानते हैं कि ये अभी थोड़ी देर पहले ही बड़ी खबर आई है, और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, कुछ देर बाद में वो साउंड बाइट्स भी आपको दिखवाऊंगी, तो वो जैसे ही मुंह से अल्फाज जारी हुए, वहीं पर आनन फानन वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर दो तीन अहम सवाल है कि ये मतलब एक ऐसी हुकूमत जो ऑलरेडी एक फ्रंट पे किसान वहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है, उनके साथ मामलात सब जो बातचीत थी वो नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ इस वक्त आपने ये काम किया है, क्योंकि आपको पता है हफ्ते की रात है, कल इतवार है, क्या इतवार को कोई कोर्ट खुलेगा, क्या खान साहब को बेल मिलेगी? ये नॉन बेलेबल मुकदमा तो है ही नहीं, सिर्फ ये तंग करने की, एजिटेशन की तरफ ले जाने की, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इससे इनको क्या मिलेगा। सो बेसिकली इससे तीन चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं, वो ये है कि इनकी साख जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है वो मज़ीद गिर जाएगी, दूसरा ये कि क्या ये फैसला शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं या उनके ऊपर ये मुसल्लत किए जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मरियम साहिबा आती हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार करती हैं, दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो बस पड़ा हुआ था, पर्चा रख के एक इंसान, और वो उसने कहा जी बस ठीक है आप ले जाए। पाकिस्तान के इस वक्त नो डाउट, मैं पहले भी हजार दफा कह चुकी हूँ, भाई आपको उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ होगा, आपको उनकी शक्ल पसंद नहीं होगी, आप ये कहते होंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी से आपको इतराज होगा, बट नो डाउट यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। तो अगर आप ये कारनामा करना चाहते हैं उनको अरेस्ट करके, तो थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब ये है कि आप मुल्क में चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं जमहूरियत का, क्योंकि सारा मुल्क तो वो कंट्रोल कर लेंगे और बंद कर देंगे, चार सूबे और तीन सूबे ऑलरेडी, तो आप इस्लामाबाद में क्या कर लेंगे? अली जैदी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ये बताया जा रहा है। जी अली जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम अली, अभी अभी ये इत्तलात आई हैं, और जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं पता कि ये ख्वाहिशात पे ही मबनी कार्रवाई होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ टेस्टर है, एक तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है कि तरीके इंसाफ की प्रॉब्लम